सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे बनाने के लिए वाटर कैंडल्स मैंने ले लिए हैं दो कुछ इस टाइप की ग्लास। अगर आप लोगों के पास ग्लास ना हो तो आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं, दिया वगैरह, पर उसमें आपको वार्निश लगानी पड़ेगी। तो अब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एंड अब मैं इसमें एक्रेलिक कलर मिक्स करने जा रही हूँ ब्रश की हेल्प से। आप लोग कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर कलर्स, कैसे भी कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरी ग्लास बाहर से ही डेकोरेटेड थी तो फिर मैंने उन पर कुछ नहीं करा, नहीं तो आप लोगों के पास अगर प्लेन ग्लास हो तो आप लोग उस पर ग्लिटर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है वो। अब मैं इस एक बारे में पीको ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, वो बस थोड़ा सा पिक्सल्स की वजह से मेरा ब्लू लग रहा है, बट मैंने ग्रीन कलर ऐड करा था। एंड अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल। आप लोग ऑयल घी भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है जब हम उसे लाइटन अप करते हैं, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड करा। हम एक ऊपर लेयर बन जाएगी। एंड अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन ग्लिटर पाउडर। आप लोग कोई सा भी ग्लिटर पाउडर, बीड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं फॉर डेकोरेशन। मेरे से गलती हो गई थी, ग्रीन ग्लिटर पाउडर मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। पहले जब हम इसमें जो बाती होती है वो लगाएंगे तब हम उसमें ग्लिटर पाउडर ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसके ऊपर आएगा तो वो हमारी अलग से नहीं दिखेगी। तभी नहीं दिख रही थी, पर बार बार सिंक कर जा रही थी किसी रीज़न से, इसलिए पहले हम इसमें वो लगाएंगे विक, तभी हम इसको पाउडर ग्रीन ग्लिटर पाउडर डालेंगे। अब मैंने ले लिए है ये कुछ इस टाइप की शीट्स, मैंने इसमें दो कट ऐसे प्लस शेप में लगा दिए जिससे कि हमारी बीच में से आ जाए। OHP शीट है ये, दो कट्स कुछ इस टाइप से मैंने इनमें लगा दिए हैं। एंड अब मैं ले रही हूँ कॉटन, थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ इस पर लगा के जो पहले यूज़ करा था, एंड इसकी मैंने कुछ इस टाइप से विक रेडी कर लिया। आप लोग रेडीमेड विक भी ले सकते हैं। पहले मैं इसमें से होल में से पास आउट करूँगी, पर मेरे को काफ़ी बड़ी लग रही थी इसलिए मैंने इसके टू होल्स कर दिए। एंड अब हम इसे कुछ इस टाइप से इसमें लगा देंगे। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लेके इसको रेडी कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सिंक कर रहा है बार बार, वो कुछ रीज़न था मेरे को भी नहीं पता लगा था, पर बाद में सेट हो गया था। मैंने इसकी विक चेंज करी थी। एंड हाँ, इसके नीचे बाती के नीचे आप लोग एक थ्रेड टाई कर देना जिससे कि गिरे ना।